ये है सामने की रेडी ना ओके सुकन्या मैडम बड़ा मुद्दा है सर क्या है सर बोलो बेटा की लिस्ट है हिम्मतपुरा टू फतेह दरवाजा 200 में से 190 तो जमा करा दिए लोग है जो ना आप अगर कॉर्पोरेट हो तो डेवलप होता अच्छी वैल्यू आपका जितना ज्यादा आपकी वैल्यू डबल हो जाती इससे डेवलप हुआ एरिया तो सबके साथ है ना सब आज देखिए आपको जो है ना आपको एक 2 रुपये देकर दूसरों को 4 रुपये तो रेट लगाए 16,000 से 32,000 से दे रहे डबल रेट दे रहे गवर्नमेंट वैल्यू जो है उससे डबल दे रहे हैं सबके साथ कंस्ट्रक्शन वैल्यू दे रहे हैं आप देखिए ये इंक्रीमेंट जो करे हुए आप आम का डब्बा ये सब तोड़ देते बोले तो मैं रुका रहा हूँ साहब को रिक्वेस्ट करके रुका रहा हूँ 2 महीने से आओ सर बल्दिया वाले जैसा आप ऑफिसर है जोनल कमिश्नर सर है बैरिस्टर असदुद्दीन वैस साहब के हुक्म के मुताबिक बालगा होटल हिम्मतपुरा से फतेह दरवाजा गांधी के पुतले तक मैं मेरे साथ जोनल कमिश्नर और प्रोजेक्ट्स के जो है ना ऑफिसर्स डी इलेक्ट्रिकल्स और कई महकमे के लोग हमारे दौरे में शामिल है हमारा जो है ना मकसद ये है दौरे का कि रोड बाइंडिंग के जो काम है मुसलसिल हम 2.5 साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन पेंडिंग पड़ते जा रहा है काम कई लोग प्रॉपर्टी कम 200 प्रॉपर्टीज़ में 190 प्रॉपर्टीज़ लोग हमको डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं उसमें से 170 के चेक के दे चुके हैं 20 प्रॉपर्टीज़ के चेक इशू करना बाकी है मैं जोनल कमिश्नर साहब से मुतालबा करता हूँ कि आपकी खसूसी दिलचस्पी अगर आपकी इसमें खसूसी दिलचस्पी है एक अच्छे ऑफिसर है डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं साउथ जोन के इस वक्त जोनल कमिश्नर साउथ जोन है मैं आपसे आपको दौरा कराने का मेरा मकसद ये है यहाँ की तकालीफ देखिए आप रमज़ान से कबल हमारी अपील है कि जो ना रमज़ान से कबल हमारे सारे काम मुकम्मल हो रोड बाइंडिंग के और इलेक्ट्रिकल डीई साहब से डीवी साहब भी हमारे साथ है उन्होंने भी दयाफुन दिए कि सारे पोल जो है ना रोड से बीच में जो है वो हट जाएंगे इलेक्ट्रिकल का भी काम कंप्लीट हो जाएगा और जोनल साहब प्रोजेक्ट के ऑफिसर्स को बुलाए हैं वो रोड भी जो है ना इंशाल्लाह जल्द से जल्द जैसा लाइट का काम मुकम्मल होते ही रोड भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द डालेंगे मैं जो डॉक्यूमेंट जिसके बाकी हैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएँ ताकि जो है ना ये फतेह दरवाजे से हिम्मतपुर पूरे तक रोड मुकम्मल हो और लोगों को हज़ारों लाखों लोगों का सुबह से शाम तक यहाँ से गुजर होता है काफ़ी दुश्वारियाँ हो रहे हैं खासतौर रमज़ान शरीफ में बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है मैं ऑफिसर से फिर एक बार पुरजोर अपील करता हूँ गुजारिश करता हूँ कि ये काम में दिलचस्पी लेके ये काम को 1 महीने में मुकम्मल करें ताकि रमज़ान से पहले काम मुकम्मल हो जाए शुक्रिया इंशाल्लाह और सब आप जो हमारे HN News को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।